हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत होंगे। मैं आपको दोस्त आपका शेख उस्मान एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो दोस्तों, तो आज की जो वीडियो, ये भी हमारे एक सब्सक्राइबर की डिमांड है, जिसके डिमांडर का नाम है निषाद पटेल। तो निषाद पटेल भाई ने इस भाई चीज़ की डिमांड की है। तो इन्होंने किस चीज़ की डिमांड की है उसका टाइटल आपको बताता हूँ। उन्होंने डिमांड की है मुस्कुराएगा इंडिया ऑफिशियल वीडियो। तो निषाद पटेल ने मुझे बताया कि जो अभी ये वायरस आया हुआ है, जो मतलब कि कोरोना वायरस आया हुआ, उससे रिलेटेड ये वीडियो है, ठीक है। तो उसके ऊपर एक गाना बना है। काफ़ी दिन हो गए इस गाने को रिलीज़ हुए, तो सॉरी निषाद पटेल, मैं थोड़ा सा लेट हूँ। और चलने चलते हैं, आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है इस वीडियो में, क्या है इस गाने में जो मुझे पसंद आता है, और क्यों हमसे निषाद पटेल भाई कह रहे हैं कि हम उनकी ये वाली वीडियो देखें। तो बगैर आप लोगों को टाइम ज़्यादा किए, चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। मुझे विश्वास है हर हिंदुस्तानी इस संकट का न सिर्फ सफलता से मुकाबला करेगा, बल्कि इस मुश्किल घड़ी मुस्कुराएगा इंडिया। ये फेवरेट एक्टर है मेरा। उसको रहेगा इंडिया। अच्छा दोस्तों, तो वीडियो ने मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी और काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, ठीक है। कि एक अच्छा, ये मैं सबसे पहले तो मैं उस बंदे को मतलब कि एक लाइक देता हूँ और सलूट भी करता हूँ कि जिसने ये सोचा कि मतलब कि पूरी दुनिया में तकरीबन बॉलीवुड की फिल्में जो हैं वो देखी जाती हैं, तो क्यों ना बॉलीवुड एक्टर्स के थ्रू जो है ये पैगाम दिलाया जाए कि देखें बॉलीवुड एक्टर्स भी जितने भी हैं वो जो मतलब कि शूटिंग पे जाते रहते हैं, जो अपने घर टिकते ही नहीं हैं, वो भी अभी इस सिचुएशन में अपने घर में बैठे हुए हैं, ठीक है। इस वायरस की वजह से वो लोग भी तंग आए हैं, लेकिन घर बैठे हुए हैं और
घर वालों के साथ अपने टाइम स्पेंड करें। तो उन्होंने काफ़ी एक अच्छा पैगाम दिया है लोगों को, अपने एक फैंस को भी, मतलब कि कह रहे हैं कि इनके फैंस किधर नहीं है, पूरी दुनिया में इनके फैंस होते हैं, कि आप लोग प्लीज़ घर में रहें, घर में टाइम स्पेंड करें, और जब तक इसकी कोई वैक्सीनेशन वगैरह जैसे वायरस का जब तक कोई हल नहीं निकलता, तब तक प्लीज़ आप लोग स्टे होम स्टे से। तो दूसरी बात इसमें जो मुझे अच्छी लगी है, इसका जो सबसे पहली वाली लाइन थी, फिर से शहरों में रौनक आएगी, कि वाकई यार अभी देखो अभी तकरीबन पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ है, ठीक है, हर बंदा परेशान बैठा हुआ है, तकरीबन हर मुल्क जो है अभी इस टाइम परेशान बैठा हुआ है, लेकिन आप टेंशन ना लो, फिर दोबारा एक ऐसा टाइम आएगा जैसे पहले हम हंसते खेलते रहते थे, ठीक है, इधर जाना उधर जाना इंजॉय करनी, वैसे फिर दोबारा टाइम आ जाएगा, ये कुछ दिनों की बात है, लॉकडाउन आरजी है, कुछ दिनों के लिए है, जब ये चला जाएगा फिर उसके बाद तो वैसे ही हमने लाइफ स्पेंड करनी है। तो काफ़ी अच्छा लगा सॉन्ग, काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, मुस्कुराएगा इंडिया, तो वाकई यही बात है, इंडिया भी मुस्कुराएगा, पूरी दुनिया भी मुस्कुराएगी जब सिर्फ एक बार इसकी एक वैक्सीनेशन जो है ना, बस वो एक बार आ जाए इसकी। तो काफ़ी अच्छी लगी वीडियो, काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, ये मुझे काफ़ी एक अच्छी चीज़ लगी कि सारे बॉलीवुड के एक्टर्स एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर, ठीक है, आए हैं गाने में और सिर्फ अपने फैंस को एक पैगाम देना चाह रहे हैं कि प्लीज़ स्टे होम स्टे सेफ। तो ये थी आज की वीडियो, कुछ इसमें ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन हाँ पैगाम काफ़ी अच्छा था। तो मेरे दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है तो वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन आ रहा होगा, काइंडली इसको टच कर लीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का भी बटन आ रहा होगा, प्लीज़ उसको भी टच कर लीजिएगा, जब उसको टच कर लेंगे उसका साथ आ जाएगा एक बेल का आइकन, प्लीज़ उसको भी टच कर लीजिएगा, ताकि आगे से हम जो भी कोई नई वीडियो बनाएं या अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको आए, और आप किसी तरह हमारी वीडियोज़ देखें, हमारे साथ प्यार मोहब्बत बढ़ाते रहें। और मेरे भाइयों, अगर मेरे से कोई गलती होगी तो प्लीज़ मैं माफ़ कर देना, आई एम वेरी वेरी सॉरी, प्लीज़ अगर कोई गलती होगी तो प्लीज़ मैं माफ़ कर देना। और यही पैगाम दूंगा मैं भी कि अगर मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, कि प्लीज़ स्टे होम स्टे सेफ, ठीक है, कि ये जो वायरस है ये बहुत ख़तरनाक है, आप खुद ही देख लें कि 15 दिनों के अंदर बस खल्लास, कोई कहानी नहीं बचती, तो इसलिए प्लीज़ स्टे होम स्टे सेफ। तो ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।